रिजॉर्ट के कोरोना काल के बाद दोबारा खुलने से पर्यटक और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। आपसे हम साझा करते चले कि पूरे कोरोना काल में पतरातु लेक रिजॉर्ट बंद पड़ी थी, साथ ही वहां के पार्क, बच्चों के खेलने के लिए जो चिल्ड्रन पार्क में वह सभी बंद पड़े थे, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक और सैलानियों को काफी निराशा होती थी और मायूसी के साथ उन्हें वापस लौट जाना पड़ता था। लेकिन दोबारा पतरातु लेक रिजॉर्ट एवं पार्क के खुल जाने से सैलानियों, पर्यटकों को, स्थानीय लोगों एवं खास तौर पर बच्चों में एक अजीब सी खुशी और उमंग की लहर देखने को मिली। वे दोबारा यहां आकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से हम इस पार्क के दोबारा खोलने का इंतजार में थे। इस पूरे कोरोना काल में घर पर ही रहकर हम लोग बोर हो चुके थे। कुछ बाहर से आए सैलानियों ने बताया कि हम काफी दिनों से इसका नाम सुने थे और यहां आने का मन भी होता था, लेकिन हमें मालूम था कि कोरोना काल में सभी पार्क बंद है, इसीलिए कभी आना नहीं हुआ। पर यहां आकर और घूमकर पतरातु डैम में नौका विहार करके कश्मीर के आनंद को महसूस किया। पतरातु से विकास पाठक की रिपोर्ट। आप अपना नाम और परिचय दें। विश्वजीत गांगुली, सीनियर मैनेजर हूं मैं पतरातु लेक रिसोर्ट का। तो गांगुली जी, जैसे ही ये पतरातु लेक रिसोर्ट बन के तैयार हुआ, कुछ दिन ही बीते थे कि कोविड-19 जैसा बुरा दौर चालू हो गया और बिल्कुल बंद करना पड़ा, लोग आके मायूस होकर यहाँ से जाते थे, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? देखिए, ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम अपने फैमिलीज के साथ एक क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं। और जब कुछ दिन हुआ ही था, ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमने एक पेंडेमिक सिचुएशन को क्रॉस किया, जिसमें लोग काफ़ी आए। कंप्लीट होने के बाद जैसा जैसा लॉकडाउन खुलता रहा, वैसा वैसा लोग आए। हम उस समय भी हमारा पार्क बंद था, तो हम लोगों को निवेदन करके बोलते थे कि बंद है, लोग काफ़ी मायूस होकर जाते थे, जो हमारे लिए भी एक दुखदायक था। बट हम लोग रियली थैंक्स टू हमारे सरकार से और हमारे डिपार्टमेंट से, जिन्होंने इसको खोला है, और आज इतने भी पर्यटक आप देख रहे हैं सामने, जो धीरे धीरे आ रहे हैं। भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? सफीउल्लाह अंसारी। तो आप ये नाविक संघ के मेंबर हैं? जब से ये बंद पड़ा था लॉकडाउन के दरमियान, ये पार्क के सारे नाव भी लगभग बंद ही पड़े थे। हम लोग आते थे, देखते थे, ना लोगों की भीड़ भाड़ रहती थी, ना चहल कदमी। लेकिन जब दोबारा ये चालू हुआ, पार्क चालू हुआ, तो अभी लोगों का आवागमन काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। जो पैसा हो रहा है लॉकडाउन में, तो भूख मर रहे थे, अब तो आगे आ रहा है, तो दो पैसा गरीब किसी भी तरह चल रहा है। आप दोबारा यहाँ आके फील कर रही हैं? वेरी डेस्परेटली मैं इसका इंतजार कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को फिर वापस से लेकर के आऊँ और यहाँ पे फिर से खेल सके, ये पार्क वगैरह घूम सके, क्योंकि इस दौरान हम लोग घर ही घर में बिल्कुल बोर भी हो चुके हैं। रियली सभी लोग घर में रह के बोर हो चुके हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि पतरातु लेक रिसोर्ट ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी पार्क्स और सभी गार्डन्स खुल चुके हैं, सभी जगह लोगों का आना जाना चालू हो चुका है। इससे पहले कभी आ चुके हैं? पतरातु कई बार आए हैं, रामगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन इधर करीब एक साल से लॉकडाउन होने के कारण नहीं आए थे, और अभी एक साल बाद लॉकडाउन खुला है, पार्क खुला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है करके, और यही उम्मीद करते हैं कि अब कोई पता नहीं ना आए और ये जैसे पहले की तरह गुजार रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को भी इंतजार था कि कब लॉकडाउन खत्म हो, कब ये दौर खत्म हो कोविड-19 का, और दोबारा आप लोग यहाँ आए और यहाँ का प्राकृतिक जो नज़ारा है उसका लुत्फ उठाए। बेसब्री से इंतजार था एक बात का, ये लॉकडाउन खुले, पार्क वगैरह चालू हो, नौकायान चालू हो, तो जो खूबसूरती है पतरातु की वो हम लोग मजा ले सकें। हमारे साथ एक छोटे से बच्चे हैं। बाबू, आप कैसा फील कर रहे हैं दोबारा पतरातु लेक रिसोर्ट में आके? आपको यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल कश्मीर की वादियों की तरह यहाँ के नज़ारे हैं। देखिए, बिल्कुल जो बोट्स हैं वो भी कश्मीर की झलक दिलाती है, याद दिलाती है। और एक हमारे जावेद भाई जी बता रहे हैं कि नया बोट आया है, नाम है शिकारा। काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से इन्होंने इसका निर्माण करवाया है ताकि इनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चल सके। जावेद भाई, आपकी बोट है, आपने बताया कि आपकी बोट है शिकारा। जी जी, मेरा ही बोट है। तो क्या चाहते हैं आप कि लोगों का आवागमन बढ़े और आपके शिकारा में लोग आएँ? जी बिल्कुल, कोई भी अगर अच्छा बोट रहे तो जो घूमने के लिए आता है वो तो अच्छा बोट में चाहता है कि अच्छा से अच्छा बोट रहे, उसमें हम घूमने के लिए आए तो घूमें। कश्मीर सी फीलिंग्स दिला रहे हैं आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। लोग यहाँ आते हैं, बताते हैं कि बिल्कुल कश्मीर सी फीलिंग होती है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा था ये पार्क, लोग मायूस होकर लौट जाते थे, लेकिन अब दोबारा फिर से लोग आने लगे हैं। जी जी जी, फिर से आने लगे, और हम लोग चाहते हैं कि अब उसी तरह से पहले जैसा था उस तरह से हो जाए। बिल्कुल।